हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बीटरूट का हलवा। आपने अभी तक तो कई टाइप के हलवे खाए होंगे, इस बार बीटरूट का हलवा हमारे साथ बनाकर देखिए, फिर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए ये हलवा आपको कैसे लगा। सबसे पहले तो बीटरूट को अच्छे से धोएंगे, इसका स्किन निकाल के इस तरीके से इसके पीसेस काट लेंगे। कटे हुए पीसेस को भी एक बार फिर से धोएंगे, फिर इसको डालेंगे कुकर में। इसमें 3 से 4 गिलास पानी डालेंगे। बीटरूट के पीसेस को धोने के 2 रीज़न हैं। पहला तो इसमें कि मट्टी की स्मेल निकल जाए, दूसरा रीज़न ये है कि अगर इसे हम नहीं धोएंगे तो हलवा हल्के से कड़वा रहेगा। अब कुकर की लिड लगाएंगे, इसको गलने के लिए रख देंगे। बीटरूट गलने तक हलवे में डालने के लिए मावा तैयार कर लेंगे। मैंने दूध को पहले ही गाढ़ा करके रख लिया है। अब इस स्टेज पे डालेंगे हम 3 टीस्पून शुगर। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, साथ में बेल बटन भी प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी नई वीडियोस अपलोड करूं आपको उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं। बिना सब्सक्राइब किए देखने वाले व्यूवर्स, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे रेसिपीज आप तक भी आसानी से पहुंच जाएं। इसे मिक्स करते हुए गाढ़ा होने तक पकाएंगे। देखिए ये खोवा तैयार हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे, ये ठंडा होने के बाद और थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। देखिए बीटरूट भी गल चुके हैं, हमने इसको पानी से निकाल लिया है। बीटरूट को हमें कुकर में 60% तक ही गलाना है, बाकी 40% इसे घी के साथ भूनेंगे तब ये गल जाएगा। इस तरीके से फोक से चेक कर लेंगे। देखिए ये गल चुका है, अब हम इसे ग्राइंडर जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। बीटरूट को कट करने के बाद हम इसमें 2 गिलास पानी डालकर उसे एक बार धो देंगे। दोबारा इसको गलाने के बाद जो पानी बच गया है वो भी फेंक देंगे। 2 बार पानी फेंकने से आपको लगेगा कि बीटरूट का कलर तो सारा निकल चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, ग्राइंड करने के बाद इसका कलर वापस आ जाएगा। अगर से बीटरूट के पीसेस को अच्छे से नहीं धोएंगे तो बीटरूट का हलवा हल्के से कड़वा रहेगा। इसका बिल्कुल स्मूथ पेस्ट नहीं बनाना है, इसको हल्के से दरदरा ही रखेंगे। देखिए जो भी बड़े पीसेस है इसे फिर से ग्राइंड करेंगे। देखिए इस तरीके के अगर छोटे पीसेस हो तो इसी में छोड़ देंगे। बचे हुए बीटरूट को भी इसी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। बीटरूट ग्राइंड हो चुके हैं, अब गैस पे पैन रखेंगे, इसमें देसी घी डालकर अच्छे से गर्म करेंगे। इस हलवे में देसी घी को ज़्यादा ही डाला जाता है, अगर आप कम करना चाहें तो कर सकते हैं। घी अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसमें डालते हैं ग्राइंड किए हुए बीटरूट। 5 मीडियम साइज बीटरूट के लिए मैंने 5 टीस्पून देसी घी को यूज़ किया है।
फ्लेम को हाई रखेंगे, इसे अच्छे से भूनेंगे। इसमें का सारा पानी ख़त्म होने तक इसको हाई फ्लेम पर ही भूनेंगे। हम इस हलवे में किसी भी तरह का एसेंस या फिर इलायची को इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस तरीके से मिक्स करते रहेंगे और इसे पकाते रहेंगे। हमने फ्लेम को हाई ही रखा है। पैन के साइड्स पे देखिए, इसमें हल्का सा पानी नज़र आएगा। ये सारा पानी ख़त्म होने तक हमें इसी तरीके से पकाते रहना है। देखिए इस तरीके से हम इसे साइड पे कर रहे हैं। पैन के किनारों पे घी के साथ हल्का सा पानी भी नज़र आ रहा है। इसमें का पानी ख़त्म होने तक हाई फ्लेम पर इसे भूनते रहेंगे। इसे हाई फ्लेम पर भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और 2 मिनट तक इसी तरीके से इसको भूनते रहेंगे। इसे पकते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। देखिए हम इस तरीके से हटा रहे हैं। अब इसमें आपको पानी नहीं नज़र आएगा। अब स्टेज पे हम इसमें डालेंगे शुगर। मैं इसमें 200 ग्राम शुगर को यूज़ कर रही हूँ। आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे पकाएंगे। शुगर घुलने के बाद देखिए फिर से इसमें साइड्स पे हल्के से पानी नज़र आने लगा है। इसका पानी ख़त्म होने तक इसी तरीके से पकाएंगे। शुगर घुलने के बाद भी इसे पकते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। देखिए इसमें अब पानी नज़र नहीं आ रहा है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे। इसमें डालेंगे खोवा और अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इस तरीके से एक बार हलवा ज़रूर बनाकर देखिए, फिर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये हलवा कैसे लगा। अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक करना तो बनता है।
देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसमें डालते हैं और खोवा। आप खोवा जितना चाहे डाल सकते हैं। हो चुका है, अब इसे डिश आउट करेंगे। काजू और खोवे से गार्निश करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं कोई मज़ेदार रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय।